आम खबर दें आपको, मारूफ आलम दीन मुफ्ती रफ़ी उस्मानी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जामिया दारुल उलूम में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, उलमा इकराम और तलबा समेत सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे काशान से। काशान, क्या तफसीलात? काशान से राबता करने की हम कोशिश कर रहे हैं। मारूफ आलम दीन मुफ्ती रफ़ी उस्मानी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। जुमे की रोज़ उनका हरकत कल्ब बंद हो जाने के बायस इंतकाल हो गया था। उनकी उम्र 86 बरस थी। तवील अलालत के बायस उनका इंतकाल हुआ था। एक बार फिर हमारा राबता बहाल हुआ काशान से। काशान, क्या तफसीलात हैं नमाज जनाजा अदा कर मुफ्ती रफ़ी उस्मानी की? जी बिल्कुल मुमताज़, आलम दीन मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मौलाना जो है रफ़ी उस्मानी साहब, उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। उनके नमाज जनाजा में मुल्की सियासी शख्सियात और उलमा कराम ने, दीनी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत करी है। इसके अलावा मैं आपको साथ साथ ये बताऊँ कि मुल्क भर से जो है उनके शागिर्द और इस बड़ी तादाद जो है नमाज जनाजा में शिरकत की गई थी। और हाफिज नईमुर रहमान, इसके अलावा गवर्नर सिर कामरान टसोरी और मौलाना फजल रहमान की जानिब से भी नमाज जनाजा में शिरकत की गई है। और मुफ्ती साहब की जो तदफीन जो है जामिया कराची में, जामिया दारुल उलूम कराची में वाकई जो कब्रिस्तान है वहाँ मौलाना मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब को, मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब की नमाज जनाजा जो है उनकी तदफीन की जाएगी। अच्छा, साथ साथ मैं आपको ये बताऊँ कि दारुल उलूम कराची जो है इसके अतराफ के अंदर पुलिस और रेंजर्स की इंतहाई सख्त जो है नफरी यहाँ पर तैनात की गई है। किसी भी नाखुशगवार वाकये से निपटने के लिए पुलिस हेडक्वार्टर की जानिब से भी मजीद जो है सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त किए गए हैं अतराफ में दारुल उलूम कराची के। जी, सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। मारूफ आलम दीन मुफ्ती रफ़ी उस्मानी की नमाज जनाजा दारुल उलूम में अदा कर दी गई है। और सियासी और समाजी